नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ बाड़मेर में एक फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि बाड़मेर कवास में वायुसेना का फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। ये घटना ओला नियोकी ढाणी के पास प्लेन क्रैश होने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है वह MiG-29 विमान है, जबकि हादसे में पायलट सुरक्षित है। इस मामले में वायुसेना की ओर से बयान सामने आ गया है, जिसमें प्लेन क्रैश की पुष्टि की गई है। वायुसेना ने बताया है कि घटना एक नियमित प्रशिक्षण के दौरान हुई। प्लेन में तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट को प्लेन को छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद प्लेन क्रैश कर गया। वहीं इस मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इस समय ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। वायुसेना ने बताया है कि घटना देर रात हुई है। बाड़मेर सेक्टर में एक नियमित रात्रि प्रशिक्षण मिशन के दौरान दोस्तों IAF MiG-29 में एक गंभीर तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण पायलट को बाहर निकलना पड़ा। पायलट सुरक्षित है और जान माल के किसी नुकसान की खबर नहीं है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश भी दिया गया है। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचने के बाद बताया जाता है कि पायलट सुरक्षित है और इलाके में जाब्ता लगाया गया है। यहां 400 मीटर तक लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है। पुलिस ने बताया है कि ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी, जिसके बाद यहां टीम पहुंची। किसी तरह के ग्रामीण की क्षति नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान के बाड़मेर से, जहां वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।